नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। खबर उमरिया से, जहां शहडोल कमिश्नर बाबू सिंह जागोद ने माता बिरासनी के चरणों में माथा टेका है। पदभार ग्रहण करने के पहले पहली बार पहुंचे माता बिरासनी जी के दरबार नवागत कमिश्नर बाबू सिंह जागोद माता बिरासनी के दर्शन कर संभाग व प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। नवागत कमिश्नर ने कहा कि शहडोल संभाग में इसी तरह शांति व सद्भावना लोगों में बनी रहे। नवागत कमिश्नर ने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता शहडोल संभाग में शांतिपूर्ण हो लोकसभा चुनाव। देखिए, आज माता जी के श्री चरणों में अपना शीश नवाया है और शहडोल संभाग, जैसा हम लोग सब जानते हैं, यहाँ पर सभी जनता शांतिप्रिय रहती है और माता जी से भी ये प्रार्थना की है कि यहाँ की जनता ऐसे ही शांतिप्रिय बनी रहें, आपस में सद्भावना बनी रहे और शहडोल संभाग का विकास हो, ऐसा हम चाहते हैं। अभी जहाँ तक प्राथमिकता का प्रश्न है, अभी लोकसभा निर्वाचन आज ही घोषित हो रहे हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी लोकसभा का निर्वाचन शांतिपूर्ण और निर्विघ्न संपन्न हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। उसके पश्चात शासन की जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी आम जनता तक सुचारू रूप से पहुँचे और यहाँ की जनता उसका लाभ उठाएँ, ये हमारी पहली प्राथमिकता।